हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त। आज हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बतलाएंगे जो आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध मिल जाएंगे, और ये एलकेम का काफ़ी पुराना ब्रांड है जिसका नाम टैक्सिम है। ये 1 ग्राम 500 mg, 1 ग्राम 500 ग्राम और 250 ग्राम में आपको मिल जाएगा मार्केट में। ये इंजेक्शन RTI, UTI एंड स्किन से संबंधित प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपको सामने ये रेड, ब्लू और वाइट डब्बे में पैक है, वाइट कलर के डब्बे में पैक है, जिसका फार्मूला है सेफोटैक्सिम सोडियम एंड इंजेक्शन IP। ये 1 ग्राम का इंजेक्शन है। ये IM और IV दोनों यूज़ किया जाता है, और कंपनी एलकेम का, जो काफ़ी ब्रांडेड कंपनी है। हम इसका मैन्युफैक्चर डेट देखेंगे, जो कि 3/2017 है, और एक्सपायरी डेट 8/2019, और MRP है 33 रुपये 44 पैसे। इसमें इसके इस बॉक्स के अंदर हम अभी रिव्यू करके दिखलाएंगे, तब तक आपको इसके बारे में कुछ और भी जानकारियाँ बतला दे रहे हैं, जानकारी दे दे रहे हैं। इस इंजेक्शन का उपयोग IM/IV दिया जाता है। अगर मरीज़ ज़्यादा बीमार है तो उसको IM दीजिए, अगर मतलब कि कुछ दिन से बीमार है तो IV दे सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी मरीज़ को जब हम इसको IV देते हैं तो उसे घबराहट, चक्कर या उल्टी जैसा होने लगता है, और जबकि IM देने पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, जो कि सेफ़ माना जाता है। इसलिए इसको जब भी दीजिए तो मरीज़ के हाव भाव को समझ लीजिए, और उसके बाद IM और IV डिसाइज करिए देने के लिए। हाँ, और एक बात है कि आप कोई भी मेडिसिन यूज करें तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, अपने मन से कोई भी मेडिसिन यूज ना करें, नहीं तो आपको उसके बदले हर्जाना देना पड़ सकता है। इस इंजेक्शन का हम रिव्यू करेंगे, जो कि ये शील पैक हैं कागज़ के कार्टन में। देखिए, जैसे कि इसमें डिस्टिल वाटर दिख रहा है एक प्लास्टिक के पाउच एम्पुल में, और ये वायल है जो कि 10 ml का वायल है, और इस पे प्लास्टिक का ये सील लगा हुआ है, और ये 5 ml का डिस्टिल वाटर है। इसको हम जब भी यूज करेंगे तो ये डिस्टिल वाटर इसमें डाल के डिज़ार्व कर लेंगे, और उसके बाद IM/IV यूज करेंगे। ये इंजेक्शन काफ़ी सस्ता है, और मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, नमस्ते।